हे गाइस, वेलकम टू नम्रताज किचन इन ब्लॉग्स। क्या आप वही डेली वाले पराठे और रोटी खा खा कर बोर हो चुके हैं? अगर हाँ तो आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ये लच्छा पराठा खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है। लच्छा पराठा बनाने की मैंने दो मेथड शेयर किया हुआ है, आप दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे बनाने के लिए 1.5 कटोरी आटा ले रही हूँ, जो कि गेहूं का आटा है। उसके बाद मैं इसमें 1/4 चम्मच लगभग नमक डाल दूंगी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर लगभग 1/2 चम्मच और थोड़ी मात्रा में मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया हुआ है। गाइस, आप सभी चाहें तो इन सभी चीज़ों को स्किप करके सिर्फ इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, बाकी चीज़ें टोटली ऑप्शनल हैं। और आप चाहें तो इसमें अपने फेवरेट मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गरम मसाला, मैगी मसाला या फिर कुछ और। सभी चीज़ों को अपने हाथों से आप मिक्स कर लीजिए। और इसके मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी ऐड करके एक डो तैयार कर लूँगी। गाइस, हमें आटा गूंथते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें आटे को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और बहुत ही ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो लच्छे आपस में चिपक जाएंगे और अगर कड़ा हो गया तो वो अच्छे से खिलकर नहीं आएंगे। इसीलिए हमें आटे को कुछ इस तरीके से गूंदना है कि वो जब आप उंगली से उसे दबाएं तो वो आपकी उंगलियों पर ना चिपके और बिल्कुल अलग रहे। आटा गूंथ लेने के बाद हम उसे 15 मिनट तक कवर करके रख देंगे। पंद्रह मिनट के बाद हम आटे को थोड़ा सा घी लगाकर और गूंथ लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम आटे से थोड़ी बड़ी लोई बनाकर उसे नॉर्मल रोटी की तरह बेल लेंगे, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, कुछ इस तरीके से उसे बेल लेंगे। हमें इसे नॉर्मल पराठे की तरह बेल लेना है, कुछ इस तरीके से। फिर पराठे को बेल लेने के बाद उसके ऊपर हम घी की एक लेयर लगा देंगे। और ध्यान रहे गाइस, इस समय आपको घी थोड़ा सा पिघला हुआ नहीं लेके जमा हुआ घी लेंगे, जिसको स्प्रेड करते बन जाए इतना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पराठे में घी को अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद मैं इसके ऊपर सफ़ेद तिल की एक लेयर लगा दूंगी और उसे अच्छे से फैला दूंगी। उसके बाद मैं इसके ऊपर हरे कटे हुए धनिए के पत्तों को फैला दूंगी। गाइस, ये दोनों चीज़ें टोटली ऑप्शनल है, आप केवल घी लगा के भी इसे बना सकते हैं। तिल और धनिया को मैंने केवल टेस्ट के लिए यूज़ किया है, आप इसके बिना भी बनाएंगे तब भी लच्छे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए, हम पराठे को कुछ इस तरीके से पहले आगे ले जाएंगे, फिर पीछे करके उसे प्रेस कर देंगे। ये प्रोसेस बहुत ही इजी है गाइस, आप इसे ध्यान से देखिए, आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं। जब हम पराठे को कम्प्लीटली फोल्ड कर लेंगे उसके बाद हम इसे इस तरह से इसे हम प्रेस करते जाएंगे, फिर हम इसे कुछ इस प्रकार से रोल कर लेंगे, कुछ ऐसे। ये देखिए गाइस, अब हमारा लच्छा पराठा का फाइनल लोई बनकर तैयार है। अब हम इसमें आटा डस्ट करके इसे रोल कर लेंगे। इसे रोल करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल हल्के हल्के इसे रोल करना है। अगर आप पराठे को ज़्यादा ज़ोर से बेलने लगेंगे तो लच्छे अच्छे से खिलकर नहीं आएंगे, इसलिए आपको इसे स्मूथली बेलते हुए इसकी रोटी बनानी है।
गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है, और आप ये भी देख रहे होंगे कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकल आए हैं, तो आप चाहे तो इसे चाकू से कट कर सकते हैं या फिर इन्हें ऐसे रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस एक्स्ट्रा पार्ट्स को चाकू से कट करके उसे अलग रख दूंगी, और अब पराठे को अलग से एक प्लेट में रख के उसके ऊपर आटा डस्ट कर दूंगी, ताकि दूसरा पराठा जब मैं उसके ऊपर रखूँ तो उस पर ना चिपके। तो चलिए गाइस हम अब अपने सेकेंड मेथड की ओर चलते हैं, जो कि है कट फोल्डिंग मेथड। इससे पहले सेम साइज की एक बड़ी लोई ले लेंगे और उसकी एक नॉर्मल रोटी बना लेंगे। रोटी बन जाने के बाद मैं इसके ऊपर फिर से घी स्प्रेड कर दूंगी। घी स्प्रेड कर लेने के बाद मैं रोटी के ऊपर कुछ कुछ गैप छोड़कर कट लगाऊंगी, कुछ इस तरीके से। अब जो हमने कट्स लगाए हैं उनको अलग करके एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और उन्हें हल्के हाथों से चिपकाते जाएंगे। हमें ये प्रोसेस लास्ट तक करना है। इसके बाद आप चाहें तो गाइस इसके ऊपर भी आप तेल या हरा धनिया ये सब स्प्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें टोटली ऑप्शनल है। मैं इसमें थोड़ा सा आधे पराठे में तिल डाल के इसे फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। और इसे हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से खींचना है। जब हमारी लोई थोड़ी लंबी हो जाएगी तब हम इसे रोल कर लेंगे। इसे रोल कर लेने के बाद हमारी दूसरी लोई कम्प्लीटली रेडी है। अब हम इसमें भी आटा डस्ट करके इसका पराठा बना लेंगे, और ध्यान रहे इसे भी हमें बहुत स्मूथली बेलना है। मैंने इसे कम्प्लीटली बेल लिया है। आप देख सकते हैं इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स निकल आए हैं, तो हम उसे भी चाकू से कट करके बाहर कर सकते हैं। कुछ ऐसे मैंने उसे बाहर करके अलग रख दिया। अब हमारा दोनों पराठा कम्प्लीटली रेडी है। अब हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। सबसे पहले हम तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। जैसे ही वो गर्म हो जाएगा हम उसके ऊपर पहला पराठा डाल देंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर ही सेकते रहेंगे। गाइस लच्छा पराठा सेकते समय इसका कलर बहुत ही जल्दी चेंज होने लगता है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि इसका अंदर अभी भी कच्चा रहता है। तो सबसे पहले हम दो बार अलट पलट कर इसे मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। उसके बाद जैसे ही इसका कलर चेंज होता है हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे आराम से इसमें घी डाल डालकर सेकेंगे। आप चाहें तो इसे बिना घी के भी सेक सकते हैं। जैसे ही पराठा सिकने लगेगा इसमें लच्छे भी खुलकर आने लगेंगे। आप देख सकते हैं लच्छे भी दिखने लग गए हैं। हमारा पहला पराठा कम्प्लीटली सीख चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे पराठे को भी इसी तरीके से सेक लेंगे।
गाइस आप सभी देख सकते हैं हमारा दोनों पराठा अब कम्प्लीटली रेडी है सर्विंग के लिए। आप चाहें तो इसे अपने किसी भी फेवरेट सब्जी, चटनी या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।